आज मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान की ऐसी वर्कशॉप में जहाँ करोड़ों की गाड़ियाँ लाखों में तैयार की जाती हैं। मॉडल कौन सा था ये 9998 वाला मॉडल है। इसका फ्रंट बोनट चेंज है, इसकी फ्रंट ग्रिल चेंज है, इसका फ्रंट बम्पर, फ्रंट हेडलाइट, साइड फेंडर, फ्रंट से इसे मैंने बॉडी किट इंस्टॉल की है, फॉग लाइट, एवरीथिंग, पूरी पूरी गाड़ी चेंज है। फ्रंट्स कट्स देख रहे हैं आप, शेपे देख रहे हैं, सारी शेप ही चेंज कर दिया इसके अंदर, डेंटिंग का पेंटिंग का काम हुआ है। तो क्या इससे गाड़ी की लाइफ कम नहीं होती? क्वालिटी को कैसे मेंटेन रखते हैं, मतलब जो पार्ट्स आप मंगवाते हैं वो क्या इस क्वालिटी के होते हैं कि वो नई गाड़ी का मुकाबला कर लें? ए प्लस कॉपी तैयार की जाती है। ये बहुत यूनिक काम हुआ है इस गाड़ी पे, ये कट्स देख रहे हैं पूरी। आप गाड़ी 22 वाली लगाएंगे साथ तो ये कोई पहचान नहीं सकता। हमने नए मॉडल की बैकलाइट ऐड की है, तो जो पुराने मॉडल की बैकलाइट की सेटिंग थी वो तो और थी, तो नए मॉडल की कैसे इसके अंदर फिट आ गई? ये गाड़ी हमने तैयार की है, ये बाहर के अदारे ने किसी ने तैयार की है गाड़ी। वो 4 से 5 इंच बनता है, इसकी लाइट का शायद कुछ 8 से 10 इंच बनता है। ये कार्टून बनाया हुआ है किसी ने, ये चीट की हुई है कस्टमर के साथ, उसके पैसों के साथ, उसकी गाड़ी के साथ। ये हमारे पास भाईजान दोबारा तैयार होने के लिए ये बाकी इदारे काम कर रहे हैं भाई, उनकी गाड़ियाँ हम ठीक करते हैं भाईजान, ऑटो चैनल वन उनकी गाड़ियाँ खराब हुई ठीक करता है, ये गाड़ी अब इसके मुताबिक तैयार करें। ये शेपे देख रहे हैं और उस मॉडल की शेपे देखें, कोई कार्ट उसने पुराने मॉडल के बना दिए हुए उसे। इस्लामिक बिजली पब्लिक डिजिटल के साथ मैं हूं फैजान चौधरी। आज मैं मौजूद हूं पाकिस्तान की ऐसी वर्कशॉप में जहां करोड़ों की गाड़ियां लाखों में तैयार की जाती हैं। मेरे पीछे इस वक्त आप देख सकते हैं मॉन्स्टर लुक में एक क्रूजर खड़ा है। कितने में तैयार हुआ है, कौन सा मॉडल है, आपको बताएंगे ज़रूर, लेकिन लोकेशन पर चल के। तो आइए मेरे साथ। तो जी नाज़रीन, अब हम लोकेशन पे आ चुके हैं, मेरे साथ ऑटो चैनल के ओनर फैजान मलिक मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या कमाल है कि ये पुरानी गाड़ियों को जवान कर देते हैं। सर ये आपके सामने है, प्रैक्टिकली है, कोई बातों से नहीं, गाड़ी दिखा रहे हैं आप। अच्छा, मैं गाड़ी पे ही आते हैं, स्टार्ट करते हैं कि मॉडल कौन सा था ये? ये 9998 वाला मॉडल है ये गाड़ी। अच्छा, और ये तैयार कौन से मॉडल में हुआ है? ये पाकिस्तान को चैलेंज है, ये 2022 वाला बिल्कुल लेटेस्ट गाड़ी है, कोई फर्क नहीं है। सर गाड़ी से आप गाड़ी कंपेयर कर लें, जब नई गाड़ियां बनाई जाती हैं तो उनकी ड्राइंग बनती है प्रॉपर, क्या कहते हैं वो, मापिंग की जाती है बकायदा, इंची टेप से हर चीज़ नापी जाती है ताकि एक इंच का भी फर्क ना आए। आप बिल्कुल एग्जैक्ट वैसी कैसे बना लेते हैं? सर गाड़ी को एक देखते हैं प्रैक्टिकली। अच्छा, गाड़ी को देख के स्कैन दिमाग में बन गया। अच्छा, फिर उसको सर पूरा डिज़ाइन करते हैं वर्कशॉप में, दिन रात सर मेहनत करते हैं। इसके फ्रंट में क्या कुछ चेंज हुआ है? मुकम्मल टोटल शेप चेंज है, ये 98 वाला क्लूजर पुराना, वो थकरा जो गांव में चलेगी हुई हैं गाड़ियाँ। अच्छा, वो वाली गाड़ियों को अब मैं लेटेस्ट बना रहा हूँ। पूरी इसकी फ्रंट की शेप चेंज है, जैसे इसका फ्रंट बोनट चेंज है, इसकी फ्रंट ग्रिल चेंज है, इसका फ्रंट बम्पर, फ्रंट हेडलाइटें, साइड फेंडर, फ्रंट से इसे मैंने बॉडी किट इंस्टॉल की है, फॉग लाइट, एवरीथिंग, पूरी पूरी गाड़ी चेंज है फ्रंट। क्या आप एक दफ़ा फिर देख सकते हैं कि ये 2022-2023 मॉडल है जो कि पहले 9998 मॉडल थी ये गाड़ी। अब इसको देख के कोई ये जज नहीं कर सकता कि क्या ये वाकई पुराना मॉडल थी। जब हम साइड प्रोफाइल की बात करें तो सबसे पहले हमें रिम ही नज़र आते हैं, तो क्या इसके रिम भी चेंज किए गए? हाँ फैजान भाई, डेफिनेट इसका जो रिम होते हैं ना, इसके 18 साइज़ के होते हैं। अभी इसमें 20 इंच का अलॉय रिम इंस्टॉल किया गया, बिल्कुल 22 वाला मॉडल वाला लेटेस्ट वाला। इसका टायर भी चेंज किए गए हैं। अच्छा, बड़ा टायर डाला गया 20 इंच का पूरा लॉयडिंग के हिसाब से। उसी तरह साइड प्रोफाइल पे अगर रहते हैं तो उसके ओवर फेंडर लगाएंगे, इसे बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। डबल टू टोन में कलर में हमें इसे पेंट किया गया। अच्छा, जो ओरिजिनल गाड़ी है उसमें भी सेम यही है? जी बिल्कुल, 2 टोन में ही है। ये साइड पैनल भी 2022 वाले मॉडल वाले हैं, इसी तरह उसके तरह ये डोर मोल्डिंग भी है, इसके डोर मोल्डिंग लग गए, और उसके बाद इसके दरवाजे भी को भी उसी तरह ही शेप दिया गया जैसे नए मॉडल में है। जैसे इसके डोर हैंडल हो गए, ये कट्स देख रहे हैं आप, शेपे देख रहे हैं, इसी तरह हमारे जाते हैं ये वेदर स्ट्रिपें आ गई ऊपर, उसी तरह ये इसके आगे एयर प्रेस आ गए, एयर प्रेस आ गए, और उसके बाद यूनिक चीज़ ये है कि ये साइड मिलर है। अच्छा, कमाल चीज़ है, इसका हर गाड़ी का मिलर इधर आता है, स्पॉट इस पोजिशन पर आता है। और जो नया 2022 मॉडल की गाड़ी आप इंटरनेट पर भी सर्च करेंगे ना, तो उसका मिलर इधर है। अच्छा, हमने बिल्कुल उसी को ही कॉपी किया है। सर हमने इसकी सारी शेप ही चेंज कर दिया है, इसके अंदर डेंटिंग का पेंटिंग का काम हुआ है। तो क्या इससे गाड़ी की लाइफ कम नहीं होती? नहीं सर, लाइफ ज़्यादा होती है। वो कैसे? सर गाड़ी तो समझ लो ये पुराने मॉडल की गाड़ी ये ख़त्म हो गई होती है, उसको हम नए मॉडल का करते हैं ना, जब दरवाजों के पीस जो गले हैं उसको उतार के लगाया दिया नया, इसके अंदर एक प्रोटेक्टर एक शील्ड लगती है। अगर हम इसकी रूफ की बात करें तो ये मुझे रूफ हैंडल भी नज़र आ रहे हैं, तो क्या ये भी नए डाले गए? बिल्कुल सर, बिल्कुल लेटेस्ट, बिल्कुल आप चेक करें लेटेस्ट मॉडल के रूफ ने ना, इसमें थोड़ा सा क्वार्टरों पे हमने ऑल्टरेशन किया पीछे। फिजान भी मैं एक चीज़ ये भी आपसे जानना चाहूँगा कि जब आप
चीज़ बना रहे होते हैं, जाहिर सी बात है ये तकरीबन कोई 10 से 11 करोड़ की गाड़ी है जो आपने बनाई है, तो आप क्वालिटी को कैसे मेंटेन रखते हैं? मतलब जो पार्ट्स आप मंगवाते हैं वो क्या इस क्वालिटी के होते हैं कि वो नई गाड़ी का मुकाबला कर लें? आप इंटरनेट पे भी सर्च करें GPD, इसका जो सा कहेंगे मैं पार्ट्स खोलूंगा GPD होगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि A+ कॉपी तैयार की जाती है। बिल्कुल, फेंडर पे भी वैसे ही कट दिए गए हैं जैसे 2022 वाले मॉडल वाले हैं। ये फ्यूल टैंक कवर के ऊपर भी देख रहे हैं कट, इस पे मेन है ये बहुत यूनिक काम हुआ है इस गाड़ी पे, ये कट देख रहे हैं पूरी। आप गाड़ी 22 वाली लगाएंगे साथ तो ये कोई पहचान नहीं सकता। रेयर प्रोफाइल की बात करें तो ये आप एक दफा फिर बल्कि लोग देख रहे हैं। इसका स्पॉइलर चेंज है, बैक डिकी का शीशा स्क्रीन इसे बोलते हैं, बैक डोर चेंज है, ऊपर वाला नीचे वाला डोर चेंज है, बैक लाइट चेंज है पूरी, वही पीछे जैसे ऐसे लोगो लग गया सेम इसी तरह। नए क्लूजर को आप चेक करें, ये लोगो है लैंड क्लूजर ऐसे लगा हुआ ठीक है नीचे है, इसी तरह इसकी नीचे वाला डोर चेंज हो गया और इसी तरह बैक बम्पर। और जो मैं अपने व्यूज को बताना चाहूँगा, जो चीट करते हैं दूसरे अदारे कि बॉडी किट के पैसे बाद में इंस्टॉल करते हैं, ऑटो चैनल वन ऐसा अदारा है फ्रंट पे भी इसे बॉडी किट लगी हुई है, पीछे भी लगी हुई है, इसके कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं होते, ये मुकम्मल पैकेज के अंदर। अब आप ये नई चीज़ें इसमें ऐड करते हैं, मतलब लाइक हमने नए मॉडल की बैकलाइट ऐड की है तो जो पुराने मॉडल की बैकलाइट की सेटिंग थी वो तो और थी, तो नए मॉडल की कैसे इसके अंदर फिट आ गई? सर उसे ऑल्टरेशन करना पड़ता है, गाड़ी को काटना पड़ता है। ठीक है, इसका एक्सटीरियर सिर्फ बदला है या आपने इंटीरियर भी चेंज किया? इंटीरियर भी चेंज किया, इंटीरियर भी बदल दिया। आए आवाम को हम अपना इंटीरियर भी दिखा देते हैं कि इंटीरियर में क्या कुछ चेंज हुआ है, तो आइए चलते हैं इंटीरियर की तरफ। तो जी अब गाड़ी का इंटीरियर दिखाने लगे हैं फिदान भाई, इंटीरियर में क्या कुछ बदला है? सर डेफिनेट सब कुछ चीज़ें ही चेंज है, मतलब डैशबोर्ड इसका पूरा चेंज है नए मॉडल के मुताबिक। इसका TV टेस्ला लग गया बड़े वाला, ये लोग कहते हैं कि बड़े वाला इसमें इंस्टॉल नहीं होता, बाकी इदारे कस्टमर को कह रहे थे लेकिन हमने माशाल्लाह इसमें बड़ा इंस्टॉल किया ये वाला। ठीक है, और ऐसे ही इसका नए मॉडल का स्टेयरिंग लग गया, इसका मीटर नए मॉडल का लग गया इसका। ठीक है, इसके मीटर का थोड़ा मैं बताना चाहूँगा, बाकी अदारे ये वाला फंक्शन नहीं ऑन कर रहे, इस पर हम ऑटो चैनल बंद करता है कि आपके गेयर शिफ्टर मीटर में ऑन होते हैं। मैं थोड़ा सा ये क्लच दबा के इसका गेयर चेंज करूँगा, ये रिवर्स पे हो तो रिवर्स ऑन हो गया, ये न्यूट्रल पे आ गया तो न्यूट्रल ऑन हो गया, अभी ड्राइव पे आएंगे हम तो ये ऑन हो जाएगा ये। अच्छा, जिस तरह फैजान भी आप बता रहे हैं कि बाकी अदारे भी काम कर रहे हैं फेस लिफ्टिंग का, तो एक आम आदमी या एक वो बंदा जिसने अपनी गाड़ी फेस लिफ्ट करवानी है वो ऑटो चैनल पर क्यों आए? सर उसका डेमो मैंने एक मंगवाया हुआ है, मुझे पता था आपसे ये मेरे से आप सवाल करेंगे। पक्की बात है। भाई। वो क्या डेमो क्या है? सर मैंने पूरी गाड़ी मंगवाई हुई है जो किसी और ने तैयार की है। जो किसी और ने किया उसके और इसके मैं फर्क आपको बताता हूँ। अच्छा, तो चलें फिर आवाम को दिखाते हैं कि आखिर ऑटो चैनल के काम में और बाकियों के काम में क्या फ़र्क है, लाइव देख लेते हैं कि क्या वाकई फैजान भाई जो दावा कर रहे हैं उसमें हकीकत है या नहीं। तो जी फैजान भाई, ये मैं देख रहा हूँ पीछे एक गाड़ी खड़ी हुई है, ये वो मॉडल है जो आपने मंगवाया? जी बिल्कुल, वही गाड़ी आपको मंगवाई है दिखाने के लिए प्रैक्टिकली, खाली बातें नहीं करेंगे प्रैक्टिकली गाड़ी भी दिखाएंगे। तो आपको दिखाते हैं कि ऑटो चैनल ने अगर कोई गाड़ी तैयार की है उसमें और जो बाहर से गाड़ी तैयार हुई है क्या फ़र्क है, तो आइए देखते हैं फिलहाल में क्या कुछ चेंज है। ये गाड़ी हमने तैयार की है, ये बाहर के अदारे ने किसी ने तैयार की है गाड़ी है। अभी फ़र्क जो नज़र आ रहा है डेफिनेट कैमरे में आता होगा, इसकी लाइट का साइज अगर मैं देखूँ ना तो ओनली 4 से 5 इंच बनता है, इसकी लाइट का साइज कोई 8 से 10 इंच बनता है, पहले ये फ़र्क है सर। और इसी में कई लाखों का फ़र्क आ जाता है सामान की प्राइस में। इसमें ये फ्रंट बॉडी किट इंस्टॉल है आप देख रहे हैं, इसमें नहीं लगी हुई, और इसमें रिल कितनी बल्की है आप देख रहे हैं, उसमें थोड़ी छोटी है, लेकिन ये हमारी जबान में इसे कार्टून बोला जाता है, ये कार्टून बनाया हुआ है किसी ने, ये चीट की हुई है कस्टमर के साथ, उसके पैसों के साथ, उसकी गाड़ी के साथ। तो आपके पास ये गाड़ी क्यों आई है? ये हमारे पास भाईजान दोबारा तैयार होने के लिए आई है, बाकी इदारे काम कर रहे हैं भाई, उनकी गाड़ियाँ हम ठीक करते हैं भाईजान, ऑटो चैनल बंद उनकी गाड़ियाँ ख़राब हुई ठीक करते हैं, ये गाड़ी अब इसके मुताबिक तैयार करें। साइड प्रोफाइल पे आप देख रहे हैं फैजान भाई, जैसे इसके फेंडर देख रहे हैं कितने ये कट्स हैं, इसमें नहीं है, इसमें ये अपर फेंडर देख रहे हैं 2-टन कलर में और बड़ा है, ये छोटा है। अलॉय रिम पे आते हैं, अलॉय रिम भी देख रहे हैं, टायर भी आप देख रहे हैं, इसी तरह पीछे आ जाते हैं थोड़ा सा, जो मिलर बता चुका हूँ मैं आपको, इसका मिलर देख रहे हैं इधर हमने जनवर जगह पर लगाया, इसका किसी ने पहले ही उधर ही लगा दिया, टाइम भी बचाया बचत भी की है। इसी तरह इसे इसके डोर हैंडल पे आ जाते हैं आप है। देख रहे हैं बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल के हैं, उसके पुराने के लगाए हैं, डोर मोल्डिंग है, नीचे स्पोर्ट पैनल है, और उसी तरह आ जाते हैं दरवाजों के कट पे, जो मेन चीज़ दिखाने वाली है सर, शेपें इससे बनती है गाड़ी, ये शेपें देख रहे हैं और उस मॉडल की शेपें देखें, कोई कट उसने पुराने मॉडल के बना दिए हुए उसे। अच्छा जी, जिस तरह फ्रंट और साइड प्रोफाइल में आपको फ़र्क दिखाया है इसी तरह रेयर प्रोफाइल में भी दिखाएंगे, तो फिदान भाई रेयर प्रोफाइल में क्या फ़र्क है? सर मैं पूरी डिटेल से बताऊंगा, अगर मैं हाथ ही रखता हूँ ना लाइट पे, तो ये मेरे हाथ के देखें
एक इंच कम लाइट आ रही है। अगर अगर मैं ये कार्टून पे आ जाता हूँ तो सर ये एक इंच बढ़ रही है। ये फर्क है टेक्निकली, बैक बम्पर का फर्क है, बैक इसके डोर का फर्क है। और इसी तरह इस गाड़ी को बैक बॉडी किट इंस्टॉल की हुई है हमने, इस गाड़ी को नहीं हुई। ये टेक्निकली थोड़ी 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 चीज़ें होती हैं छोटी छोटी जो बाकी इदारे पैसे बचाते हैं आपने। अच्छा, तो जो आवाम तैयार करवाती है उनको पता नहीं चलता कि ये गाड़ी जो है वो कार्टून तैयार हो गया? सर वो झूठ बोल देते हैं, छेड़ कर देते हैं, वो नहीं सर्च करते। ये हम अवेयरनेस वीडियो इसलिए बनाते हैं कि कस्टमर को पता चले तो वो कहीं चीट तो नहीं करवा रहा। मतलब हमारी वीडियो देख के आप ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि असल में 2022 और 2023 मॉडल का जो क्रूज़र है वो कैसा दिखता है, ताकि कल को आपके साथ कोई फ्रॉड ना कर सके। आखिर में फैजान भाई के साथ फ्रंट पे चलेंगे ताकि इसकी प्राइस भी आपको बता सके। तो जी फैजान भाई, आखिर में सबसे अहम सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अगर कोई नाज़रीन में से कोई अगर हमारी वीडियो देख के अपनी गाड़ी को फेसलिफ्ट करवाने के लिए ऑटो चैनल के पास आता है, तो 1999 और 1998 जिस तरह आपने बताया कि ये 2022 में और 23 में कन्वर्ट किया है, इस पर कितना खर्चा आ जाएगा? इससे सर 38 से 40 लाख रुपया आज का जो डॉलर के हिसाब से, क्योंकि माल हम इंपोर्ट करना होता है, और जो आज की प्राइस है 38 से 40 लाख रुपया। मतलब आज की तारीख में जब हम वीडियो बना रहे हैं तो ये दिसंबर 2022 चल रहा है, अगर कहीं ऐसा ना हो कि आप 6 साल बाद ये वीडियो देखें और कहें कि हमें 38 से 40 लाख में तैयार कर दें, जाहिर सी बात है तब का रेट जो होगा वही लगाया जाएगा। लेकिन आज के रेट की अगर बात कीजिए तो ये 2022 और 23 मॉडल गाड़ी जो है वो तकरीबन 38 से 40 लाख में तैयार हुई है, जिसकी असल कीमत 11 करोड़ है। तो अगर अब आप भी अपनी करोड़ों की गाड़ी लाखों में तैयार करना चाहते हैं तो ऑटो चैनल से रابطہ करें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।